मैं तो मदमस्त होकर के अपने मंजिल की ओर चला। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। देखते ही ये कारवां कब 500 लोगों का हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मंजिल अभी भी कुछ दूर है मेरे मित्रों, कारवां यूं ही बढ़ता रहेगा, साथ चल करके देखो, मंजिल तक पहुंचने का नशा ही कुछ और रहेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, This is Prem Ramchandani, founder chairman of Bharat Lifestyle. It's a 10th year celebration of our company. This company ko start kiye mujhe 10 saal poore ho chuke hain. 26 January ko 2011 mein maine is company ki starting kari thi. This is a very special year for us. Although the whole country is facing the pandemic problems, but still for us it's a very special year. हमने भरत लाइफस्टाइल की शुरुआत आज से 10 वर्ष पूर्व इसी उद्देश्य से की थी कि शहर वासियों को हम अच्छा प्रोडक्ट अच्छी कीमतों पर दे सकें, और काफी हद तक मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब भी रहे हैं। 10 साल पहले जब मैं अपने यूरोप टूर पे था, तब वहां पर जाकर के मैंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छे से समझा था कि लोग किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। यूरोपियन क्वालिटी आप भी सब जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझा, पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में हमने पाया कि जो हमारे शहर के अंदर लोग क्वालिटी दे रहे हैं और जिस प्राइस पर दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स के साथ में गलत हो रहा है। उसको महसूस करते हुए हमने 2011 में भरत लाइफस्टाइल की नींव रखी। तब से लेकर आज तक आप खुद ही देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो ग्रोथ की है, उसका सिर्फ कारण यही है कि हम लोग पूरा रिसर्च करने के बाद में सारी मशीनरीज जो हमारी जर्मन मशीनरीज हैं उस पर प्रोड्यूस करते हैं और वो क्वालिटी देते हैं, वो ट्रेंड्स लाने की कोशिश करते हैं जो वहां पर करंट में चल रहा है, ना कि दूसरे प्लेयर्स जैसे जो 10-10 साल पुराने ट्रेंड्स को आज तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल पहले हमने एक बहुत ही छोटे सेटअप से शुरुआत करी थी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सोफे का प्रोडक्शन मेरे पास में मात्र 100 सोफे प्रति माह का था, जो आज बढ़ करके 4000 यूनिट्स पर मंथ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ में पैनल फर्नीचर की जब हमने शुरुआत की थी प्रोडक्शन की, तब सिर्फ मात्र हमारे पास में 50 पीसेस बनाने का कुल सेटअप था, जो आज बढ़ करके 3000 यूनिट्स हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 5 लाख ग्राहकों तक अपनी पैठ बना ली है पूरे हिंदुस्तान में। कस्टमर्स के रिव्यूज रेटिंग्स अगर आप देखेंगे हमारे, तो वी आर द टॉप रेटेड कंपनी इन इंडिया। आज हम लोग जो अपना प्रेजेंस ई कॉमर्स पे दे रहे हैं, वहां पर हमारे पास में 3 अवार्ड्स हम हासिल कर चुके हैं। हमारी कंपनी 2011 में जब हमने स्टार्ट किया था, उसके पहले ही हमारे पास में 11 नेशनल एक्सपोर्ट अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड्स हमको इसी बेसिस मिला था कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट क्वालिटी डेवलप करी थी वो दूसरों के बनिस्पत थोड़ी सी अलग थी। अपनी 10वीं वर्षगांठ पर मैं उन सभी ग्राहकों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमें एक विश्वसनीय ब्रांड बनाया है। सन 2016 से हम लोगों ने ई कॉमर्स में के बिजनेस में पेनिट्रेट किया। हमारे साथ में जो हमारे पार्टनर्स हैं, जिसमें स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके पोर्टल से हमने बेचना शुरू किया और आज हम सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन के उभरे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो सब हमारे प्रिय ग्राहक, हमारे निष्ठावान कर्मचारियों की बदौलत पर हैं। उसके साथ में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर, उन सबको मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा। इस वर्ष अप्रैल 2021 से हम लोग अपना फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आप सब लोगों से अनुरोध है कि जो व्यक्ति, जो हमारा ग्राहक हमसे जुड़ना चाहता है लंबे समय के लिए, वो हमसे फ्रेंचाइजी ले सकता है। हम लोग हर शहर में सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी रखेंगे, इसके ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे फ्रेंचाइजी। मोर एवर ये सिर्फ अभी बड़े शहरों तक ही सीमित रहेगा जिसकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा की है। हम लोग अपना एक नया फैसिलिटी सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 तक हमें उम्मीद है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। वो फैसिलिटी सेंटर ऐसा रहेगा कि जहां पर 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे। हमारे जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो सब एक जगह सेंट्रलाइज होंगे। तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया रहेगा और वो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट होगा।
अभी हम लोग अपना 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही स्पेशल ऑफर्स अपलोड किए हैं अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए। तो आप लोग सभी से अनुरोध है, आप आइए और हमारी मेहनत को समझें, आकर के देखें कि हम आप लोगों के लिए क्या विशेष लेकर के आए हैं। धन्यवाद।